हैं वीडियो में, हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाए जो लोग ज़रूरतमंद है और जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है। मैं आज एक किसी ऐसी बच्ची से आपको मिलाना चाहता हूँ कि जिसने जब से वो पैदा हुई है और आज तक ये दुनिया कैसी है नहीं देखी, उसने रंग नहीं देखा, उसने अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि उसके माँ बाप कैसे हैं। मैं इस छोटी सी बच्ची मुस्कान से आपको मिलाना चाहता हूँ और आपको देखकर बेहद अफसोस होगा कि ये जो मुस्कान छोटी सी बच्ची है, इस बच्ची के दोनों आंखें होने के बाद भी दोनों आंखें नहीं हैं। आप देख सकते हैं इस बच्ची की दोनों आंखें नहीं हैं, अंदर हैं इसकी दोनों आंखें, लेकिन अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसा इस बच्ची को बीमारी दी कि इस बच्ची की दोनों आंखें होने के बाद भी आंखें नहीं हैं, ये बच्ची देख नहीं सकती। इसकी दोनों आंखों के पर जो स्किन है, जो खाल है, वो चिपकी हुई है। मतलब कितनी परेशानी होती है आपको बच्चे को लेकर? बहुत परेशानी होती है। मैं तो बिहार से आया हूँ, आदमी बच्चे को 3 महीना पहले जो गुरु नानक में भर्ती किए थे, उसके बाद अरबान पौनते ग्रीन पार्क हॉस्पिटल, हर जगह से जाँच हो गए। जाँच होने के बाद जो बोलते डॉक्टर जो गुरु नानक का है, वो बोले कि विदेश ले जाना होगा ऐसे। अच्छा, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से क्या कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग के जरिए से हम लोग यहाँ पहुँचे। डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज मतलब इंडिया में है ही नहीं इस बच्चे का, नहीं बोलता कि विदेश ले जाना होगा। विदेश के लिए आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप बिहार से दिल्ली आ जाएं? अब पैसे रहता तो हम बिहार में करा लेते, हम लोग गरीब आदमी जो मजदूर कमाने वाले हैं। बिहार में भी बहुत जगह दिखलाए, बिहार में 5 जगह दिखलाए जहाँ तक हम लोग सके करवा लिए। जी, कितने साल की आपकी बच्ची है? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल की बच्ची है तो ये मतलब क्या जन्म से ऐसी थी, जब पैदा हुई थी? जब से पैदा हुई तब से ऐसी है। और इनके पास बहुत परेशानी है, एक तो ये खा ना पाती है और आँख भी ना है और बोल भी ना पाती है। इसके पास में किडनी भी एक ही है। किडनी भी एक है? एक किडनी में बच्ची कैसे जी? अब अल्लाह जाने, डॉक्टर बोल रहा है कुदरती बच्ची है ये। कुदरती बच्ची है? नहीं, कुछ इलाज मतलब इंडिया में पॉसिबल नहीं है इसके इलाज बच्ची का। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा सर्जन इंडिया में है जो मेरी वीडियो देख रहा हो, तो हमें हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी मेल आईडी डली हुई है, इस मेल पे मेल कर सकते हैं। तो इस हो सकता है इस बच्ची का इलाज हो जाए, इस बच्ची को एक नई ज़िंदगी मिल जाए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा, बोलती हो? मुस्कान, बोल दे बेटा। तो जब परेशानी तो होती होगी आप लोगों को भी? बहुत परेशानी होती है, तो इन्हीं को लेके तो दिन भर रहते हैं, नीचे भी ना रखते हैं, कहीं पे भी जाके टकर चलती तो है मगर टकरा जाती है, जब आँखी ना आए तो क्या करेगी बच्ची। मतलब जब तक जिंदा रहेगी तो आपको इसका सहारा बनकर रहना पड़ेगा। फाइनली अपनी बच्ची के लिए आपको बाहर आना पड़ा, लोगों की मदद मांगनी पड़ी आपको? जी, जब हम लोग थक गए ना जी, तो अब क्या करें, कितना पैसा लाएं गरीब आदमी, हम लोग तो गांव में मजदूरी करते हैं, वहां तो कोई काम भी ना है। अभी हम छोटी सी मदद कर रहे हैं आपकी, ज़्यादा मदद तो नहीं कर पाएंगे और कोशिश करें कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो कि इस बच्ची को देखे और हो सकता है कोई आ जाए इलाज कराने के लिए, ठीक है ना? तो ये कुछ पैसा है, रख लीजिए आप, ठीक है ना? ये राशन वगैरह के लिए आप मांगिए मत, है ना? तो इसमें है ना, आप फिलहाल अपने राशन ले लीजिएगा, ठीक है ना? और आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी शेयर कर सकते हैं अपने तमाम लोगों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर कीजिए कि कम से कम कोई अल्लाह का एक नेक बंदा मिल जाए इस बच्ची को, इसकी ज़िंदगी मिल जाए, ये रोशनी इसकी आँखों की वापस आ जाए।
एक किडनी है, दोनों आंखें नहीं है, हाथ पैर जुड़े हुए हैं, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम इस वीडियो को तो शेयर कीजिए और हमें यूँ ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।